गणेश आज की हमारे अध्ययन का विषय है। GYNOECIUM गणेश, जिसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर कहते हैं। सबसे पहले मैं वो मेन हेडिंग डाल रहा हूं जो जो चीज हमें पढ़नी है। पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, या फिर मेगास्पोरेंजियम का दूसरा नाम ओव्यूल भी है, और चाहे आप कार्पल कहिए। इन चीजों की जानकारी, कार्पल तो पिस्टिल का ही नाम है। तीसरी चीज हम यहां पढ़ेंगे एंड एम्ब्रियो सैक। तो बच्चों, जो गायनेशियम होता है, गायनेशियम रिप्रेजेंट किसके द्वारा होता है? पिस्टिल या फिर कार्पल के द्वारा। दोनों में से कोई सा भी नाम दिया जा सकता है, चाहे हम उसे पिस्टिल कहें चाहे हम उसे कार्पल कहें। ठीक है, तो पहला पॉइंट रहा हमारा गायनेशियम, GYNOECIUM इज रिप्रेजेंटेड बाय SENTED बाय पिस्टिल और कार्पल। ये रिप्रेजेंट करते हैं गाइनेशन। कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है फ्लावर के। कार्पल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन ए फ्लावर। लीजिए, फ्लावर के अंदर एक कार्पल हो सकता है, फ्लावर के अंदर दो कार्पल हो सकते हैं, एक फ्लावर के अंदर तीन कार्पल भी हो सकते हैं, यानी दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। जब एक फ्लावर के अंदर एक कार्पल हो तो उसे मोनोकार्पलरी कहते हैं, जब एक से ज्यादा हो तो उसे मल्टीकार्पलरी कहते हैं। दो को तो बाइकार्पलरी कह ही दे। तो ये वाला पॉइंट टू बी नोटेड, क्या फ्लावर कैन हैव तीन कंडीशन ले रहा हूं आपके सामने। वन कार्पल, जब एक कार्पल होगा तो इसको हम कहेंगे मोनोकार्पलरी, जब दो कार्पल होंगे तो इसे कहेंगे बाई कार्पलरी, और भैया दो से ज्यादा होंगे मोर देन टू कार्पल, यानी मैनी कार्पल, तो इसे हम कहेंगे मल्टी कार्पलरी या पॉली कार्पलरी, जो नाम आपको अच्छा लगे, मल्टी
कार्पेलरी ऐसी ओवरी होती है। देखो बच्चों, अब अगर दो या दो से ज्यादा कार्पल हैं, मैं नीचे ही एक लाइन आगे बढ़ा रहा हूं, इफ टू और मोर कार्पल, तो वो सारे कार्पल या तो आपस में फ्यूज हो गए होंगे या वो खुले खुले होंगे। पहली बात, कार्पल आर फ्यूज्ड। आपस में चिपक गए, उस कंडीशन को हम कहेंगे सिनकार। इस कंडीशन की एक एग्जाम्पल है पैपावर। इसका एग्जाम्पल पैपावर। अगर हम इसका डायग्राम बनाने की सोचें तो सारे कार्पेल हमको चिपका के रखने। कैसे चिपका के रखने? डायग्राम देखिए, ये ओवरी का हिस्सा आया, ओवरी का ऊपर वाला हिस्सा स्टिग्मा हुआ करता है, ये सारे स्टिग्मा आपस में चिपके हुए हैं कईयों के। सब चिपक गए। ये सारे चिपक, ये मैं किसी गर्ल का फोटो नहीं बना रहा हूं, जूड़ा बना दिया हो उसका। नीचे ओवरी जिस पे बैठी हुई है, ये डायग्राम हो गया आपका। ये ऊपर जितने मैंने बनाए हैं ये स्टिग्मा है। अभी समझ में आ जाएगा ये स्टिग्मा होता क्या है। जब कार्पल फ्यूज है, सारा चिपक गया, नीचे का हिस्सा, ऊपर स्टिग्मा नजर आ रहा है। दूसरी कंडीशन क्या हो? कार्पल आर फ्री। जब ये फ्री होते हैं तो उस कंडीशन का नाम है एपोकार्पस, APO। और एपोकार्पस का एग्जाम्पल है मिशेलिया, MICHELIA। आप इसे माइकेलिया कह दो, मिचिलिया कह दो, आपका जो मन में आए कह दो, मैं कौन होता हूं रोकने वाला। ठीक है, सर, ये पेपा हेलो, वर हाँ जी सर, है। नमस्कार। पेपेवर। हाँ, स्पेलिंग सही करनी होगी मुझे, याद दिलाने के लिए धन्यवाद बेटी। पेपेवर, मिशेलिया। इसका डायग्राम अगर हम देखें तो देखो, ये एक कार्पल बना रहा हूं, ये कार्पल है एक, दूसरा वाला भी फ्यूज नहीं है, इधर बना दिया एक, ये रहा, फ्यूज नहीं। यहीं से मैं और निकाल दूंगा, ये आपस में फ्यूज नहीं कर रहा, ये खुले खुले से देखने को मिल रहा है।
सब खुले खुले से देखना। ये सारे मैंने कार्पल बनाए, एक कार्पल। कार्पल कंडीशंस को आप याद रखेंगे, ठीक है। एपोकार्पस सिन कार्पस आपके टिप्स पे रहेगा, मतलब आपको याद रहना चाहिए। यहां तक मेरे ख्याल से डाउट नहीं होगा। अब आगे मैं डीपली स्ट्रक्चर आपको देने जा रहा इसका, ठीक है। पेपेवर जो मैंने आपको डायग्राम बनाया है मेरे बच्चों, पेपेवर एक जीनस है जिसके 70 से लेके 100 तक स्पीसीज पाए जाती। 70 to 100 स्पीसीज ऑफ पेपेवर कोल्ड रीजन में होता है, यूरेशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका। कॉमन नेम अगर आप याद रखो इसका तो ये पॉपी प्लांट है, पॉपी। सदियों से, सालों से पॉपी में से ओपियम, ओपियम पॉपी बहुत फेमस, जिसको पेपेवर सोमनीफेरम कहते हैं। दर्द की दवा के रूप में इसको लिया जाता है। ओपियम को आप अफीम भी कह सकते हैं। खांसी की दवाओं में पड़ता है, डायरिया, लूज मोशन, दस्त लग जाए तो भी इसको लिया करते हैं, समझे। लेकिन साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं इसके, तो आदमी ने इसको अब्यूज्ड करना शुरू कर दिया यूनान के टाइम से, एंशिएंट ग्रीक टाइम से, और इसको एडल्ट्रेट कर दिया गया और इसको ड्रग्स की तरह से यूज किया गया, जैसे मॉर्फिन। मॉर्फिन वैसे कैंसर की दवाएं है, दर्द बहुत अच्छा करता है, दर्द को रिलीव करता है। इससे और भी दवाएं बनती हैं एल्केलॉइड की, जैसे कोडीन है, सैंग्विनराइन है, बहुत सारी दवाएं। तो हिंदी में पोस्ता कहते हैं इसे, पेपेवर को। ड्रग है, बिल्कुल दूर रहना है, अपने घर में इसका पौधा भी नहीं लगाना है, नहीं तो इलीगल है, कानूनन जुर्म है अगर आपने अपने घर में इसका पौधा लगा लिया। मैं आपको अब कार्पल की बात बताने जा रहा हूं। आखिर ये पिस्टल कार्पल है क्या? तो मेरे बच्चों, ए पिस्टल आपको पिस्टल अच्छा नहीं लग रहा, आप कार्पल नाम ले दो, मैंने कौन सा बुरा माना? हैज थ्री सब पार्ट, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल, ये भी स्टाइल में रहने का, ओवरी, ये ओवरी इनमें भी है। एक सुंदर सा डायग्राम बना के अपनी बात बताऊंगा, आपको समझाऊंगा, समझ गए तो अच्छा, ना समझो तो बहुत अच्छा, उसके बाद में वीडियो से समझ लोगे कौन सी आफत टूट रही है। ये तीन हिस्से बनाए, सबसे ऊपर का हिस्सा है स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा है क्या? लैंडिंग प्लेटफॉर्म। फॉर पॉलन, कोई भी पोलन उड़ता हुआ आएगा, स्टिग्मा पे बैठेगा, स्टिग्मा पे गाइनेशियम यानी फीमेल पार्ट, इसको सर्व करेगी एक शरबत, सुक्रोज का सॉल्यूशन, जिसमें बोरिक एसिड होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है, इसका एक सॉल्यूशन उसका इसे दिया गया। अगर इसको अच्छा लगा तो कंपैटिबिलिटी है, पोलन ग्रेन के अंदर पोलन ट्यूब निकलेगी और इस नली में से होकर, जिसका नाम है स्टाइल,
से होके चल देगी, क्योंकि ये स्टाइल क्या है, पैसेज फॉर पॉलन ट्यूब, इसमें से होके ये जाएगी। कहां जा रही है इसमें से होकर, अगर आप ये पता लगाएं तो सबसे अंदर बैठा हुआ है ओव्यूल। ये ओव्यूल जो बैठा हुआ है इससे मुलाकात करने, और ये ओव्यूल चिपका रहता है नीचे की ओर प्लेसेंटा से। हर ओव्यूल प्लेसेंटा से चिपका होगा, प्लेसेंटा से बाद में बना करता है। जैसे ह्यूमन बीइंग में प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड, ऐसे ही इनमें ओव्यूल चिपको। मटर का दाना देखा हो आपने, उसके दाने को खींचो तो छोटा सा दाना इस तरह से छोटे से हिस्से से चिपका हुआ, ये उसका प्लेसेंटा है। मां से बच्चा चिपका हुआ है, ये हर बेबी अपनी मां से चिपका हुआ जरूर पाया जाता है। नीचे वाले पोर्शन में हम आ गए हैं जिसका नाम है ओवरी। ओवरी, ओवरी नीचे का हिस्सा फूला हुआ सा, जो इसका बेस है, लोकेटेड एट द एक्सपोज सॉरी बेसल एनक्लोज्ड पार्ट है कार्पल का। ओवरी कैविटी है इसके अंदर, जिसको हम लोक्यूल कहते हैं। ओवेरियन कैविटी को लोक्यूल कहते हैं, लोक्यूल मतलब चैम्बर, और इसके अंदर ओव्यूल रहता है। ओव्यूल का नाम ही है मेगा स्पोरेंजियम। ओव्यूल आर अटैच्ड टू द कुशन लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा, कुशन लाइक। इस वाली बात को आगे और मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूं आपके सामने। हमने इसके तीन पार्ट पढ़े, कार्पल के या पिस्टल के। तीनों की एक्सप्लेन कर रहा हूं, कमी नहीं रहनी चाहिए। सबसे पहला हिस्सा मैं स्टिग्मा की बात कर रहा हूं, सबसे ऊपर वाला हिस्सा, लोकेटेड एट द एक्सपोज्ड एंड किनारा ऑफ स्टाइल। स्टाइल का ऊपर का हिस्सा है एक्ट्स एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म और रिसेप्टिव, स्वीकार करने वाले, ग्रहण करने वाले सरफेस फॉर पॉलन ग्रेन। यहां पॉलन ग्रेन आके बैठते हैं। दूसरे वाले हिस्से की बात कर रहा हूं जिसका नाम स्टाइल है, जो स्टाइल होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट द ओवरी ओवरी किससे एंड स्टिग्मा, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। दोनों के बीच की तो ट्यूब है, पैसेज की तरह से काम करता है,
acts as the basis for pollen tube. ओवरी नीचे का हिस्सा, सबसे लास्ट वाला हिस्सा, बेसल पार्ट कहेंगे. इट इज बेसल एनक्लोज्ड पार्ट ऑफ कार्पल. इसके अंदर एक कैविटी होती है, ओवेरियन कैविटी इज प्रेजेंट इनसाइड, अंदर, जिसको हम कहते हैं कॉल्ड एज लॉक्यूल चैम्बर. एक लॉक्यूल है तो यूनिलॉक्यूलर, दो है तो बाइलॉक्यूलर, कई सारे चैम्बर तो मल्टीलॉक्यूलर. इसके अंदर रहता है, इट एनक्लोजेस ओव्यूल यानी बीज और मेगा स्पोरेंजियम. In it. किसके द्वारा चुपका रहता है? अभी बताया था, ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू कुशन, कुशन जैसा हिस्सा, तकिए जैसा हिस्सा, लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लेसेंटा. ओवरी के अंदर कई चैम्बर हो सकते हैं, कैन हैव वन चैम्बर यानी लोक्यूल, तो हम इसे क्या कहेंगे? यूनिलॉक्यूलर, और मैनी चैम्बर तब हम उसे कहेंगे मल्टी लॉक्यूलर. सुंदर सा स्ट्रक्चर मैं आपके सामने इसका डिस्कस कर चुका हूं, ओवरी. ओवरी जिसके ऊपर बैठी रहती है, उसका नाम मैं पहले ही आपको बता चुका था शुरुआत में, थैलेमस. रिसेप्टिकल इसका नाम दूसरा. जो अच्छा लगे बोलो, मैंने कौन सी रोक लगा दी भाई तुम लोगों पे. ओवरी के लिए अब मैं इसका अगला पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूं, मेगा स्पोरेंजियम. आपका सिलेबस में मेगा स्पोरेंजियम से शुरू, यानी ओव्यूल से कहानी करें. तो बच्चों, मेगा स्पोरेंजियम की बात करूंगा. बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक शुरू हो रहा है, मेगा स्पोरेंजियम. बड़े सारे क्वेश्चन बना करते हैं इसके अंदर से. इसी का दूसरा नाम है ओव्यूल. बच्चों जब ओवरी पक जाती है,
जब ओवरी पक जाती है, रायपन हो जाती है, उसी को हम फल कहते हैं। आपने जितने भी फल खा रहे हो, आप किसी ना किसी पौधे की ओवरी खा रहे हो। और ओवरी के अंदर का ओव्यूल तब उस फल के अंदर बीज में बदल जाता है। आप जो भी बीज फेंक रहे हो, आप किसी ओवरी का ओव्यूल फेंक रहे। ओव्यूल के अंदर उसका एम्ब्रियो है, उसका बच्चा है। बीजों को कृपया करके ऐसी जगह पर ना फेंकें जहां पे उसके बच्चे की मृत्यु हो जाए। ऐसी मिट्टी में फेंकें जहां पे वो सुरक्षित रहे, यानी नया पौधा बन जाए। आखिर आपने उसकी ओवरी को खाया है, आपका ये फर्ज बनता है। क्या मैं सही कह रहा हूं तो यस बोलिए। ग्रेट। यस सर, यस सर। तो बच्चों, मेगास्पोरेंजियम जिसका दूसरा दूसरा नाम ओव्यूल है, इज द स्ट्रक्चर इनसाइड ओवरी। वेयर, जहां पे क्या होगा, मेगास्पोर फॉर्मेशन टेक प्लेस। फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। और ये कहां बनता है, प्लेसेंटा से चिपका हुआ। इट अराइजेस ऑन प्लेसेंटा। और किसके द्वारा पकड़ी रहती है, एंड हेल्ड विद ए स्टार्च जिसका नाम है फ्यूनिकिन। FUNICL। मैं आपको ओव्यूल का डायग्राम ही बना के दिखा दे रहा हूं। मेरे बच्चों, ओव्यूल का डायग्राम, उस बीज का डायग्राम आप देखने जा रहे हैं। तो ये बीज कुछ इस तरह से है, और इस बीज का ये छोटा सा पोर्शन यहां कनेक्शन है। ये हिस्सा ओव्यूल है जो बीज बनेगा, ये हिस्सा फ्यूनिकल है, और ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट नजर आ रहा है, इसका नाम है हाइलम। HILUM। आपने अगर दाल देखी हो, आपने अगर राजमा देखा हो, तो उसमें हर किसी में नीचे की ओर एक ऐसा हिस्सा होता है, चाहे दाल हो, चाहे राजमा हो, चाहे मटर हो, उसमें भी एक पॉइंट हो, चाहे चना हो, उसमें भी पॉइंट हो। ये जो पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक स्कार, एक धब्बा सा बना हुआ, एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो शो कर रहा है, जिसका नाम है हाइलम। इसी प्रकार हर बच्चे के एब्डोमिन पर एक निशान होता है, जिसके द्वारा वो प्लेसेंटा से चिपका रहता है बच्चा, अम्बिलिकल कॉर्ड से वो पहचान है कि वो मां से जुड़ा हुआ था। इसीलिए बच्चों को, क्योंकि मां से जुड़ा रहता है, इसलिए मां से लगाव होता है। बाप से जुड़ा नहीं रहता तो बाप से लगाव कम है। अब ज्यादा है कम है, मैं इस बात में नहीं जा रहा, क्यों जाऊं बिना मतलब घरों में लड़ाइयां कर। ठीक है, बस मैं तो अपनी बात बता रहा हूं, आपको समझ आ रही होगी। आ रही है तो हाँ कह दीजिए।
महंगाई। सर, ठीक यस है, सर, ओके। तो बच्चों ये वाली बात मैं यहां लिख दे रहा हूं, जो जंक्शन है JUNCTIO बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल दोनों के बीच का इज कॉल्ड एज हाइलम। इसे मैं नाम दे रहा हूं पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। चलिए डिटेल में बना दे रहा हूं। अच्छा, ये ओव्यूल कभी कभी एक रहता है फल के अंदर, कभी कभी बहुत ज्यादा होते। जब एक ओव्यूल है उनके भी आपको एग्जाम्पल बताने पड़ेंगे, बहुत सारे हैं तो आपको उनके भी एग्जाम्पल बताने पड़ेंगे। ठीक है, आप बता सकते हैं एक वाले का एग्जाम्पल, आम के अंदर एक है बहुत सारे हैं। बंद आम के अंदर एक है, आम हो, वीट हो, पैडी हो, तो द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी बताने जा रहा हूं। द नंबर ऑफ ओव्यूल यानी बीज इन एन ओवरी। वन एग्जाम्पल दीजिए। वीट, गेहूं, आप कहोगे बहुत सारे लगे रहते हैं लेकिन वो अलग अलग है। मैंगो, पैडी, मैनी का एग्जाम्पल दीजिए। पपाया काट के देख लो, ढेर सारे बीज होते हैं कि नहीं होते। वाटरमेलन में एक होगा बहुत सारे, मैनी तभी इसमें एग्जाम्पल आ गया। ऑर्चिड्स, ये एग्जाम्पल मैं सोच रहा हूं कि आपको इसका डिटेल एक फोटो दिखा बना दूं, ओव्यूल का सुंदर सा स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने लीजिए। ये है ओव्यूल। ओव्यूल में नीचे की ओर तीन सेल, ऊपर की ओर भी तीन सेल, बीच में एक सेल जिसमें दो न्यूक्लियस, टोटल मिला के सात सेल और आठ न्यूक्लियस, सेवन सेल एट न्यूक्लियाई स्टेज। ये बच्चा है, बच्चे को खाना चाहिए, खाने की तैयारी इसके चारों तरफ, ये इसका खाना है। इसके अंदर इसका खाना भरा हुआ है, इसके खाने का नाम है न्यूसेलस। न्यूसेलस ये इसका खाना है। जो अंदर मैंने बनाया है ये क्या है, ओव्यूल है या एम्ब्रियो सैक है? एम्ब्रियो सैक। इसी को फीमेल गैमिटोफाइट कहते हैं। पूरे ओव्यूल का स्ट्रक्चर, इसके दोनों तरफ कुछ दीवारें होती हैं,
जिन्हें एंटैगुमेंट कहते हैं, पहली दीवार। अंदर वाली दीवार इनर एंटैगुमेंट कहलाएगी। इंटेगुमेंट मतलब लेयर। बाहर वाली दीवार आउटर इंटेगुमेंट कहलाएगी। बाहर वाली दीवार कंटिन्यू हो जाती है नीचे की ओर में, ये रही बाहर वाली दीवार, कंटिन्यू हो जाती है। जो खुला हुआ हिस्सा ये वाला नजर आ रहा है, इसका नाम है माइक्रोपाइल, MICROPYLE। इसमें से होके पॉलन ट्यूब घुसती है, साइट फॉर एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। इस पूरे हिस्से का नाम फ्यूनिकल है, जो मैंने ऊपर बनाया था, और जहां ये अटैच हो रहा है उसका नाम हाइलम है। माइक्रोपाइल नीचे वाला हिस्सा है, इसके जस्ट अपोजिट ऊपर वाला जो हिस्सा है, दिस वन, इसको कहते हैं चला जा, CHALAZA, चला जा या चला जल एंड। याद रखने के लिए बता रहा हूं, ये बेसल पार्ट है, BASAL पार्ट। न्यूसेलस जो होता है इसका रिजर्व फूड है, ये मैंने टिपिकल ओव्यूल का डायग्राम बनाया है, टिपिकल ओव्यूल।